तिब्बती महिला संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और दुनिया भर के एथलीटों से चीन में होने जा रहे शीतकालीन ओलंपिक 2022 का बहिष्कार करने की अपील की है। धर्मशाला से सिक्किम पहुंची तिब्बती महिला संघ की केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के कारण नो टू द विंटर ओलंपिक्स 2022 इन चाइना की अपील की। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय तिब्बती महिला संघ की अध्यक्ष तेनजिंग डोलमा ने केंद्र से तिब्बत के मुद्दे को हल करने के लिए दलाई लामा और चीनी नेतृत्व में चीन भारतीय वार्ता को फिर से शुरू करने की अपील की। प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यसभा सांसद हिस्से लाचुंपा से मुलाकात की और 5 सूत्री अपना ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल साथ ही सिक्किम के वन मंत्री और लोकसभा सांसद इंद्रहंग सुब्बा से भी मुलाकात करेगा। एसोसिएशन के सदस्यों का मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिलीगुड़ी का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें मानव अधिकार का हनन हो रहा है, इसके बारे में अभी सब लोग पता चल चुका है। इसलिए अभी आने वाला विंटर ओलंपिक 22 में इसके बारे में हम सब मिलजुल कर नारे लगाएं। इसके लिए हम लोग को भी सब सपोर्ट करें, आप लोग भी इसके बारे में सोचें। We all stand together so we make a sense so we can give a pressurize to the Chinese government to boycott the 2022 Beijing Olympic. The Chinese continuously violate the human rights in Tibet. We, the Tibetan, reach in India almost 60 years. So till now, our Tibet issue and our environment and all these things is very sensitive. As my point of view, I came from Tibet when I was 7 years old. So till now, I reached in India almost 23 years old. I didn't meet my parent till now. So their situation is very worsening day by day. Even for personally, I'm not calling to my parents all these things. That means there is no even voice up in the these things are rights. All our surveillance, digitalized, all these things, it very difficult for us.